प्रश्न है कि ऑफिस में जाते समय अपने चित्त को साधनामय कैसे बनाए। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर तुम ऑफिस के लिए टाइम से पहले निकलते हो तब तो वो साधना बन सकता, और अगर देर करके निकलते हो तो बाधना बन सकता है, बाधक, क्योंकि दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी भागने की रहेगी और लेट होने पे ऑफिस में क्या होता है जाने के बाद पता चलता है, तो दिमाग में तो वो चीज़ घूमती रहेगी कि हम कैसे जल्दी टाइम से पहुँचे। इसीलिए समय से करने वाले कार्य को हमारे गुरुजनों ने कहा है कि वो साधना बन जाता है। समय से हर कार्य को करना, एक उदाहरण आश्रम की दे, सुबह 6 बजे की सेवा की, आदेश वहाँ से चिल्लाए चलो उठो जागो पहुँचो पहुँचो। एक बहुत सुंदर इसमें रहस्य है, अगर आदमी बैठा हुआ कुछ भी कर रहा हो और उसको कोई आवाज़ दे बार बार तो उसके मन में है क्या ये भी चिल्ला रहा है, इतने मनोवृत्ति तुम्हारी वहाँ कमजोर, तुम्हारा कर्म क्षेत्र कमजोर। अगर तुम वहाँ पहले से पहुँचे हो, समय से पहुँचे हो, तुम्हारी मनोवृत्ति और बलवान होता है और जो कार्य करोगे उसमें पूर्ण सफलता, थकान नहीं होगा, मानसिक क्लांति नहीं होगी, मन में दुख नहीं होगा। इसीलिए जो भी कार्य करो, जो भी तुम्हारा कर्म क्षेत्र है उसको समय से करो और समय के अनुसार चलो तो समय ही तुम्हारा साधना बन जाएगा और तुम्हारा कार्य क्षेत्र ही साधना का क्षेत्र बन जाएगा और उसी में तुम्हें साधना की सिद्धि प्राप्त। मंत्र जाप, अब हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं सब साधक हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, कोई भी जितने यहाँ आश्रम में आए हैं साधना की इच्छा से ही आए हैं। अगर हम साधना से विमुख पीछे हटते हैं साधना की हमारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है हमें, तो वो उस मनुष्य को क्या बोलते हैं, निकृष्ट व्यक्ति शास्त्रों में कहा। जो साधना को तत्पर होके करे, भूख प्यास निद्रा और अपनी इच्छाओं वासनाओं को एक तरफ रख करके समय से और पूरी अपने आत्मबल लगा करके उस कार्य को सिद्ध करे तो वो है साधक, और वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होता ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से चलता है। जो व्यक्ति हमेशा टाइम पास निकल जाए किसी तरह से टाल दो, वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। अगर वो जीना खाना कर रहा है पूरे जीवन, उसमें भी उसकी लाइफ उसका जीवन अतृप्त रहता है। इसीलिए साधक को कोई भी संकल्प लो उसको समय से करो और लगन से करो, वही लगन तुम्हारे अंदर एक ऐसी
अद्भुत शक्ति उत्पन्न करता है जिसमें मनुष्य को समस्त प्रकार के अर्थ धर्म काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त है। कर्म क्षेत्र ही साधना क्षेत्र है। अगर हम समय से निकलते हैं तो हम आराम से शांति से आत्मचिंतन भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। समय से कार्य करते हैं तो कितनी आराम से हो जाती है। अगर हम देर करते हैं, आलस्य करते हैं तो क्या होता है, हे भगवान ट्रेन न छूट जाए, हे भगवान लाइट न छूट जाए, और वो दिमाग में सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, भय और क्लांति, शोक, दुख, चिंता, ये सब चीज़ें आकर के हमें पकड़ लेते हैं। सही बोल रहे हैं? अब उसमें तुम साधक कैसे हो भाई? साधना हो ही नहीं सकती। जहाँ वहाँ तो भय है, क्लांत है, दुख है, चिंता है, प्रार्थना है, लेकिन भय पूर्वक, हे भगवान हमारे ये काम बिगड़ ना जाए। तो समय से कार्य करने वाला व्यक्ति आत्मबल से बहुत बलवान हो जाता है, और जिसका आत्मबल बलवान है वही साधना में सफल होता है। अन्यथा जिसका आत्मबल ही निर्बल हो वो साधना नहीं कर सकता है, सिर्फ जीवन यापन कर सकता है और साधना के नाम पर जी सकता है। इसलिए साधना करना हो तो समय से पहले उठ के खड़े रहो, समय से पहले कहीं जाना है निकल, तुम्हारा कार्य सफल होगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, मंत्र अपने आप निकल जाएगा, चित्त प्रफुल्ल रहेगा, तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा अपने आप खिलने लगेगी। तो ऑफिस वाले, कर्म करने वाले, साधक लोग।